रामगढ़ताल थाने की पुलिस थाने के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल अपराधी को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि रामगढ़ताल थाना प्रभारी सत्य सान्याल शर्मा ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की चिलमापुर मोड़ पर थाने का टॉप 10 लिस्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान विशाल पुत्र सीताराम निवासी सेंदोली बेंदुली थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त इससे पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है, जो जमानत पर बाहर था और थाने के टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। इसके पास एक देसी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सत्य सान्याल शर्मा, उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव, चौकी प्रभारी आजाद नगर, उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह, कांस्टेबल लोकनाथ सिंह, सत्य प्रकाश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा ये वहाँ के टॉप 10 अपराधियों में से विशाल नाम का अपराधी था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। यह थाने के टॉप 10 अपराधियों में है, पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुका, बड़ा ही सातवें अपराधी है और ये तमंचा सहित गिरफ्तार हुए किसी न किसी और घटना को साजिश करने के फिराक में था। आज इसको पुलिस ने अवैध असलाह गिरफ्तार करके जेल भेजा। सर, इससे पहले भी जेल जा चुका है? बिल्कुल, जेल जा चुका है, थाने के टॉप 10 अपराधियों में है। दो तीन इस पर अच्छे मुकदमे लिखे हुए हैं और जो टॉप 10 की लिस्ट बनी उसमें थाने के टॉप 10 में भी शामिल है।